वे जैसे जैसे बिग बॉस 16 का ग्रैंड फिनाले सामने आ रहा है, वैसे वैसे ही घर के काफी सारे क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो बदलती नजर आ रही है, नए नए दोस्त बनते जा रहे हैं, एक दूसरे को लेकर जो भावनाएं थी वो काफी ज्यादा बदल रही हैं, एक दूसरे को लेकर बड़ी सारी चीजें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब जो शिव हैं वो तो आप सबको पता ही था कि पहले से ही प्रियंका को पसंद करते थे, यानी कि प्रियंका के गेम की वो तारीफ करते थे, और अब तो अंकित के जाने के बाद वो तो प्रियंका से बात भी करना चाहते हैं, उनसे दोस्ती भी करना चाहते हैं, और यहाँ तक ये बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं कि प्रियंका उनके साथ गेम में रहें, और जब भी प्रियंका अपसेट होती हैं तो वो भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। लेकिन ये तो रही शिव की बात। आपको बता दें, शिव के साथ साथ स्टैन भी अब प्रियंका के काफ़ी दीवाने हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सबको मालूम ही है कि प्रियंका की वो पहले भी तारीफ कर चुके हैं, और अब यहाँ पर भी वो प्रियंका की तारीफ करते नजर आ रहे हैं गार्डन एरिया में। क्या हुआ है आपको बताते हैं। अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वो प्रियंका चहर चौधरी और स्टैन के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ही प्यारे होते जा रहे हैं, और ये देख रहे हैं शिव भी लगातार प्रियंका को देख नजर आ रही है, जिस तरीके से एडवाइस दे रही है प्रियंका स्टैन को। वेल, गार्डन एरिया में कुछ इस तरह से देखिए शिव, स्टैन एंड प्रियंका। प्रियंका जो है वो बहुत चिल करती नजर आ रही है, अकेले चुपचाप बैठी नजर आ रही है, और यहाँ पर शिव जो है वो अपने आप में मगन है, क्योंकि वो कर रहे हैं एक्सरसाइज, वो कर रहे हैं जंप कर वर्कआउट। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका है उनकी बात भी सुनते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर MC स्टैन जो है वो वर्कआउट करते नजर आ रहे होते हैं, और फिर यहीं पर बातें शाते भी शुरू होती है प्रियंका से, और इसी दौरान प्रियंका जो है वो स्टैन से बहुत अच्छी बात बोलती है, जिसे सुनने के बाद जो स्टैन है वो कहते नजर आते हैं कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो। जी हाँ, ये वही स्टैन है जो उन्हें शेमड़ी भी कह चुके हैं। अब पता चल रहा है स्टैन को कि प्रियंका शेमड़ी नहीं बल्कि बहुत ही जबरदस्त स्ट्रांग है, और जो भी वो मंत्र दे रही है यानी कि जो भी वो एडवाइस दे रही है वो जबरदस्त है। दरअसल यहाँ पर प्रियंका जो है वो स्टैन से कहती नजर आती हैं कि मुझे पता है कि तू काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बस मैं तुझे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पेशेंस रखा कर, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है और रिएक्शन नहीं देना है। जी हाँ, यहाँ पर वो बड़ी बात बोलती नजर आती हैं कि रिएक्ट कम किया कर, यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है। और सच बात तो यही है कि प्रियंका आजकल इस चीज़ को फॉलो भी करती हैं। हालांकि प्रियंका का जो भी रिएक्शन होता है वो बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल जेन्युइन होता है, लेकिन फिर भी आप सबको मालूम ही है कि बिग बॉस के घर में रिएक्शन देने का क्या मतलब है। बिग बॉस के ही घर में नहीं बल्कि अगर आप इस तरीके से आम जनजीवन में भी देखेंगे तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होती हैं। चाहे आप कितनी भी चीज़ों को सही करो, अगर आप ज़्यादा रिएक्ट करते हो तो आपको लोग गलत ही समझने लग जाते हैं। में अब प्रियंका को भी ये बात पता चल चुकी है कि ज्यादा रिएक्शन देना सही नहीं है, चुपचाप देखो कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जो सही है वो तो सामने आता ही है और जो गलत है वो भी दिख ही जाता है। खैर, यहां पर जो है प्रियंका इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी हैं, और इसी बात को वो स्टैन को समझाने की कोशिश करती हैं, जिसे सुनने के बाद स्टैन को बहुत अच्छा लगता है, वो प्रियंका की तारीफ करते हैं। तो वहीं पर दूर जो है वो नज़र आते हैं शिव, और शिव जो है वो लगातार प्रियंका को देख रहे होते हैं इस तरीके से जिस तरह से प्रियंका ये बोल रही होती हैं। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि स्टैन जो है वो प्रियंका की खूबसूरती की भी तारीफ कर चुके हैं। सुंबुल और अपनी मंडली के सामने स्टैन ने प्रियंका की खूबसूरती की तारीफ की थी, जिसके बाद सबने काफ़ी मज़े भी लिए थे। तो वहीं पर प्रियंका ने भी लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हक करके काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था स्टैन को। इस वीडियो में बस इतना ही। बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट के लिए फिल्मी भी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।